हेलो, गुड इवनिंग ऑल। होपफुली ऑल आर स्टडिंग वेल। सो द नेक्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द उत्तमांगीय शरीर, द आयुर्वेदिक पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट्स अ बिग क्वेश्चन and very commonly asked that is there any reference of nervous system in Ayurveda? क्या आयुर्वेद में nerves या nervous system के बारे में कोई जानकारी है या उसका वर्णन है? तो जैसे आधुनिक शास्त्र में nervous system, central nervous system, autonomous nervous system, peripheral nervous system, इस तरीके से जो डिटेल में वर्णन है उस तरीके से शायद आयुर्वेदीय ग्रंथों में नहीं है या शायद हमें अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी रेफरेंसेस है मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। दिस कैन बी यूज्ड इन योर एग्ज़ाम्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग दी 15 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बिकॉज वन लॉन्ग क्वेश्चन इज कॉमनली आस्क रिलेटेड टू दी CNS। ओके, सो फर्स्ट रेफरेंस कम्स फ्रॉम दी चरक सूत्र स्थान। प्राणाः प्राणभूतां समाश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यत् उत्तमांगानां शिरः तत् अभिधीयते। शिर की व्याख्या करते हुए है चरक कहते हैं कि जहाँ पे प्राण सर्व इंद्रिय इंद्रिय यानी हम यहाँ ज्ञानेन्द्रिय की बात कर रहे हैं और बाकी सब उत्तम अंग जहाँ पे स्थित है उसे शिर कहते हैं। शिर म्हणजे साधारणतः आपण जे डोकं मराठीत ज्याला शब्द वापरतो तर त्याची व्याख्या करत असताना चरकांनी ज्या ठिकाणी प्राण प्राण्याच्या आश्रयाने असणारे सर्व इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आणि उत्तमांग हे ज्या ठिकाणी स्थित आहे त्याला शिर म्हणावे असं म्हटलेलं आहे। सो द कम्प्लीट HNF हेड नेक फेस और द क्रेनियल कॅव्हिटी कॅन बी कन्सिडर ॲज अ शिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस श्लोक। In the first chapter, we have seen the six parts or the six divisions of a body. Shakha, Chatasram, Madhyamam, Pancham, Shashtam, Shiram, Iti. So again, the whole body is divided into six parts or the six divisions, four extremities, the middle one trunk and the last one or upper one, the HNF, head, neck, face. That reference you can quote. वन रेफरन्स इज फ्रॉम दी भेल संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, दीज आर द कॉमनली स्टडीज संहिता, बट भेल संहिता अनदर रेफरन्स। शिर तालवांतर्गतम सर्वेंद्रिय परम मनहा, लगभग सभी आचार्यों का मानना है कि मन यह हृदय में स्थित होता है, लेकिन भेल आचार्य ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि हमारे शिर में, शिरस तालवांतर्गत, तालु यानी अपर पैलेट का पार्ट और शिर क्रेनियम उसके बीच में हमारा मन रहता है जो सर्व इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उनसे परे है, उनसे ऊपर है। तो बहुत अच्छा रेफरेंस है कि जहाँ पे हम मन को कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम से जोड़ सकते हैं। सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में मस्तिष्क के बारे में वर्णन करते हुए है कहा है कि मस्तुलुंगम, जो कॉमनली हम सेरेब्रम करके जानते हैं, ये सेरेब्रम सेरेबेलम दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यू ऑल आर अवेयर ऑफ, दिस मस्तुलुंग शिरसो बलाधानम स्टॅन घृताकारम। जर तुपाला तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं, फ्रीजरमध्ये ठेवलं, तर ते कसं घट्ट त्याचा गोळा तयार होतो तशाप्रमाणे मस्तुलुंग असतं असं सुश्रुतांनी वर्णन केलेलं आहे। जमे हुए घी की तरह मस्तुलुंग होता है जो शिर में होता है, ऐसे सुश्रुत ने वर्णन किया है। डेफिनेटली ही इज टॉकिंग अबाउट द सेरेब्रम। और एक श्लोक है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा ऋषयः पुरुषम विदुः, हमारे पूरे शरीर को, हमारे पुरुष को, शरीर को, हमारे बॉडी को उपमा दी गई एक पेड़ की,
लेकिन ये पेड़ कैसा है, विशेषता क्या है कि ये उल्टा पेड़ है। उल्टा पेड़ यानी यूजुअली व्हेन आई से ट्री, आपके सामने एक पिक्चर आता है कि जिसके सबसे लोएस्ट पार्ट में रूट्स है, मोस्टली दे आर नॉट विजिबल, दे आर एम्बेडेड बिलो द ग्राउंड एंड यू कैन सी द स्टेम एंड द ब्रांचेस, मे बी द फ्लावर्स, मे द फ्रूट। दैट्स अ टिपिकल पिक्चर ऑफ अ ट्री। येस, अवर बॉडी इज लाइक अ ट्री, बट इट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट पोजिशन। दैट मीन्स द ट्री इज अपसाइड डाउन, द रूट्स आर इन द अपर पार्ट एंड द ब्रांचेस आर बिलो। दैट इज द मीनिंग ऑफ श्लोका एंड विच कोरिलेट्स, बिकॉज रूट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द ट्री। वेन ट्री इज कट एट द लेवल ऑफ रूट, इट डाइज परमानेंटली। सेम वे इफ देर इज अ ट्रॉमा इन दी आवर अपर पार्ट, हेड नेक फेस पार्ट, डेथ इज श्योर। बट सपोज एनी ब्रांच इज कट ऑफ, दैट डज नॉट अफेक्ट द ट्री वेरी मच। सेम वे वन ऑफ द अवर वन और मे बी टू एक्सट्रीमिटीज आर कट, वी कैन लिव। सो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, मूल ऊपर की तरफ है, शाखा नीचे की तरफ है, इस तरीके से वर्णन आया है। एक और श्लोक में कोट करना चाहूँगा, शरीर क्रिया में वात के कार्यों में आप जरूर उसका पठन करते हैं, सबको याद करना भी जरूरी है। वायुस्तंत्र यंत्र दरहा प्राण उदान समान व्यान अपनात्मा प्रवर्तिक चेष्टानाम उच्चावचानाम नियंता परणेता च मनसा सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजका सर्वेन्द्रियाथानाम बबियोड़ा सर्व शरीर धातुव्यर्का संधानकरः शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृति शब्द स्पर्शयो श्रोत्र स्पर्शनयो मूलम अश्वत्थाह योनि समीरणो अग्नये दोष संशोषणा क्षेपता च बहिर्मलानां स्थूलानुस्रोतसां भेत्ता कर्ता गर्भाकृतीनां आयुषो अनुकुरोतिभूतो भवति अकुपितः। वाताच्या कार्यांचा हा श्लोक अत्यंत महत्त्वाचा आहे, थोडासा मोठा श्लोक आहे, पाठ करायला नक्की सगळ्यांनी प्रयत्न करावा। यातलं ॲनाटॉमिकली जे जे महत्त्वाचं आहे किंवा सी एन एशी रिलेटेड, ते फक्त मी हायलाईट करणार आहे। वायुस्तंत्र यंत्रधरः याचा अर्थ कंट्रोलर ऑफ ऑल दी बॉडी रिॲक्शन्स, बॉडीमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिॲक्शन्स होत आहेत त्याचा कंट्रोलर। वायुस्तंत्र यंत्रधरः, तंत्र आणि यंत्र असे दोन शब्द आहेत, त्यांचा धर म्हणजे कर्ता या अर्थाने तो आलेला आहे। वायू प्रवर्तको चेष्टानाम, चेष्टा मराठीत चेष्टा शब्दाचा अर्थ मस्करी या अर्थाने होतो, परंतु चरकांना किंवा आयुर्वेदामध्ये चेष्टा शब्दाचा अर्थ वेगळा आहे। प्रयत्नादि कर्मम चेष्टिदम उच्चिते, चेष्टा शब्दाची अशी व्याख्या केलेली आहे, ज्याला आपण साध्या भाषेत म्हणू शकतो व्हॉलेंटरी मूवमेंट्स, व्ही एस, जाणीवपूर्वक केलेल्या हालचाली, या म्हणजे चेष्टा। तो यहाँ पे प्रवर्तक को चेष्टा नाम, यानी जो जानबूझ के हम अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट्स करते हैं, तो उसका कारक वात है। उच्चावचानाम प्रवर्तको वाचा, यानी स्पीच कंट्रोल जो हम बोलते हैं उसका कंट्रोल मैकेनिज्म अगेन इज वात। सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः, सभी इंद्रियों को काम पे लगाने वाला, ज्ञानेन्द्रिय की बात है। भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि जिसमें वर्णन है कि जिस तरीके से रथ, उसके घोड़े, सारथी, ये सब वर्णन है, उसी तरीके से जो हमारे रथ के घोड़े हैं वो हमारे इंद्रिय है, उनका सारथी यानी हमारा मन है, और पीछे आत्मा है जो जिससे हम जुड़ना चाहते हैं। तो उसी तरीके से जो है कि सभी इंद्रियों को काम पे लगाने वाला जो है कि उद्योजक वात दोष है, स्पेशली सेंस ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं। सर्व शरीर धातु करह, शरीर में गर्भ निर्मिति समान जो हमारी वृद्धि होती है, तो उसमें एक विशिष्ट रचना करना, अर्ली स्टेजेस में 2 जर्म लेवल्स, 3 जर्म लेवल्स ये इंड्यूस करना, या उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर से डेवलप करना, ये वात दोष का कार्य है। श्रोत्र स्पर्शनयो मूलम, शब्द स्पर्शयो, टच ऑडिटरी एरिया, ब्रेन से रिलेटेड हम इसे ले सकते हैं।
हर्षोत्साह योनि, यानी हमारा हर्ष उत्साह आदि जो भावना है उसका जनक। सो डेफिनेटली हमारे इमोशंस का कंट्रोल कहीं ना कहीं वात दोष है, समीरण अग्नि है, हमारे डाइजेशन को बढ़ाने वाला है, क्षेपता बहिर्माला एक्सक्रेटरी सिस्टम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरे श्लोक में जो है कि वात दोष की गतिविधियाँ शरीर पे किस लेवल तक होती है, तो ये कर्म कहीं ना कहीं एनाटॉमिकली भी हम उसका जोड़ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है जो बहुत बार लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सुषुम्नायाः ब्रह्मरन्ध्रम् आरोहति अवरोहति जीव प्राण समारूढ़ो रज्ज्वाम् कोल्हाटिको यथा। ये श्लोक दे के एक्सप्लेन ऐसे कर भी पूछ सकते हैं। या श्लोकाचा अर्थ असा होतो की बहुतेक काही जणांनी बघितलं असेल की रस्त्यावर डोंबाऱ्याचा खेळ होतो, तर त्याच्यामध्ये तो जो काय आहेत की तो डोंबारी वर चढतो, त्या दोरीवर चालतो आणि पुन्हा खाली उतरतो। त्या पद्धतीने जे काय सुषुम्नेच्या साह्याने जीव जो आहे तो त्या ठिकाणी वर जातो आणि पुन्हा खाली येतो, अशा प्रकारे त्या ठिकाणी वर्णन आहे। तर इथे सुषुम्ना शब्दाने आपल्याला स्पायनल कॉर्ड अपेक्षित आहे। स्पायनल कॉर्ड 12th मध्ये आपण स्टडी केलेले आहे। आता पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टीममध्ये तुम्हाला स्पायनल कॉर्ड सगळ्यांना माहिती आहे। सो 15 मार्काला लॉन्ग क्वेश्चन स्पायनल कॉर्ड विचारल्यानंतर त्या ठिकाणी हा श्लोक तुम्ही कोट करू शकता, किंबहुना हा जर श्लोक विचारला तर तिथे तुम्हाला स्पायनल कॉर्ड लिहायचं आहे, एवढं लक्षात ठेवा। प्लीज तुमच्या या शंका, मी अतिशय शॉर्टमध्ये हे लेक्चर घेतलेलं आहे, रेकॉर्डिंगच्या मर्यादा आहेत, तर याच्यात काही तुमच्या शंका असतील, क्वेश्चन्स असतील, तर जरूर मला त्या ठिकाणी व्हॉट्सअप करा, फोन करा, विचारा आणि अभ्यास करा। थँक्यू।